दिसंबर का महीना बॉक्स ऑफिस क्लैश से भरा हुआ है, जहां एक नहीं बल्कि तीन बड़े क्लैश टकराव देखने को मिलेंगे। दिसंबर महीने में सबसे बड़ा क्लैश शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सालार के बीच देखने को मिलेगा। अभी तक प्रभास शाहरुख की टक्कर पर बात हो रही थी, लेकिन दो बड़े इंडियन स्टार्स से टक्कर लेने के लिए अब एक हॉलीवुड फिल्म भी मैदान में आ गई है। जी हां, साल 2023 के क्रिसमस पर सालार डंकी के साथ अब एक्वामैन 2 भी रिलीज होगी। रिपोर्ट्स की माने तो एक्वामैन 2 पहले 22 दिसंबर नहीं बल्कि एक हफ्ता पहले या बाद में रिलीज होनी थी। फिल्म अमेरिका में 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है, यही देखते हुए अब एक्वामैन इंडिया में 21 दिसंबर को रिलीज होगी। अब क्रिसमस 2023 पर शाहरुख खान की डंकी, प्रभास की सालार और वार्नर ब्रदर्स की एक्वामैन 2 के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है। खबरों के मुताबिक सालार और डंकी के मेकर्स ने एक्वामैन 2 के स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स से रिक्वेस्ट भी किया है कि वह अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा ले। लेकिन कहा जा रहा है कि वार्नर ब्रदर्स ने डंकी और सालार के मेकर्स की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। बता दें कि एक्वामैन एक बड़ी फ्रेंचाइजी मूवी है। फिल्म के पहले पार्ट में एक्वामैन 2018 ने भारत में करीब 54.60 करोड़ का बिजनेस किया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सालार डंकी और एक्वामैन 2 में कौन बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ती है।